हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका प्रूव करेंगे, ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको प्रूव करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों होता है प्रूव। उसके बाद में ये दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो ये एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं सॉल्व और एक ये एग्जाम्पल, थोड़ा उससे बेटर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये दो एग्जाम्पल्स अगर अपन ने कर लिए तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जो मैं नोट्स डालता हूँ, उन नोट्स में जो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स करवाता हूँ उससे ज़्यादा ही एग्जांपल्स होते हैं, कम नहीं होते। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो, उससे नोट्स पढ़ते हो तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का हम लोग स्टेटमेंट जान लेते हैं। दो थ्योरम्स हैं, कॉशीज की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स है और सेकंड है। सेकंड वाली को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी फर्स्ट वाली को कवर कर रहे हैं। तो इसने बोला कि इफ द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, देन द सीक्वेंस डिफाइंड बिलो बाई ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। मतलब कोई ए एन सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंट है, एल उसकी लिमिट है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, जिसका nth टर्म ये है a1 plus a2 plus a3 से लेकर के an अपॉन में n, उसको शॉर्ट में bn बोल दिया nth टर्म को उसको, तो ये सीक्वेंस भी l पर ही कन्वर्ज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कमाल की थ्योरम है, बहुत यूजफुल है। तो अब कैसे इसको प्रूव करें ये चीज की ये भी l पे ही कन्वर्ज होगी। देखो शुरू करते हैं, मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, प्रूफ लिख ही दिया है मैंने। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक नई सीक्वेंस अज्यूम करेंगे जो डिपेंडेंट है an पर ही, मतलब an से रिलेटेड है। किस तरह से, लेट cn इज अ सीक्वेंस सच दैट, किस तरह से cn इज इक्वल टू, मतलब उसका nth टर्म an माइनस l है, इसके nth टर्म में से l को माइनस कर दो तो C वाले का nth टर्म मिल जाएगा, मतलब इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल जाएगा। ऐसे हमने सीक्वेंस एक अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इससे क्या क्या और कंक्लूजंस निकल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक नंबर इक्वेशन दे देता हूं और इसी से आगे चलेगा सब कुछ। अब यहां पर सबसे पहले तो लिमिट लगा दो, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि an जो है कन्वर्ज कर रहा है किस पे, l पर। an अगर l पे कन्वर्ज कर रहा है तो उस केस में ये cn या ये सीक्वेंस cn कहां पर कन्वर्ज करेगी, ये अपने को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी लाइन के लिमिट ले रहे हैं तो इस चीज का यूज आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका यूज लेंगे, दो ही चीजें दे रखी है ना, एक तो क्या दे रखा है an कन्वर्ज कर रहा है l पर, उससे क्या बन सकता है इस इक्वेशन से वो अभी बना लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है कि bn ऐसा है, अब इसमें यूज ले लो आगे जो भी आप करना चाह रहे हो, इसका जो भी काम कर सकते हैं आगे का अपन, है ना। तो सबसे पहले तो लिमिट लगा रहा हूं मैं पूरी लाइन में, लिमिट cn इज इक्वल टू लिमिट an माइनस l, ये मैंने लिमिट लगा दी दोनों तरफ। ठीक है, लिमिट के साथ में आप चाहो तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिट लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंडरस्टूड है कि n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिट ही आएगा, इसलिए लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, बस लगाओ तो सब जगह ही लगाना, नहीं लगाओ तो सब जगह ही मत लगाना, ऐसा कर लेना। ठीक है, चलो फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि नहीं ही लगाता हूं हर जगह ही, फालतू लंबा पड़ेगा उससे, तो मैंने इसको मिटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो लिमिट ऑफ cn कितना आएगा, ये आएगा लिमिट ऑफ an माइनस लिमिट ऑफ l, ये है। ठीक है, मैंने इसको अंदर ले लिया, लिमिट में सेपरेट हो जाता है, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब जगह सेपरेट हो जाता है लिमिट में, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। अब यहां पर बात ध्यान देने वाली ये है कि लिमिट l, अगर इसको एक सीक्वेंस का nth टर्म माने लिमिट l, l को तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो गई एक तरीके से, तो उस केस में तो इसकी लिमिट एल ही आ जाएगी, मतलब किसी कांस्टेंट की लिमिट क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी, उसी पे कन्वर्ट करेगा वो। और एन की लिमिट हमें क्या दे रखी है, एल दी हुई है, तो यहां पे लिमिट ऑफ सी एन कितनी आ गई अपने पास में, ये हो गया एल माइनस, इसकी लिमिट तो एल ही है, तो लिमिट ऑफ सी एन हमारे पास आ गया जीरो के बराबर, लिमिट ऑफ सी एन है हमारे पास जीरो, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। दोनों इक्वेशन हमारे बहुत काम की है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को। ठीक है, कहां कैसे क्या काम आएगी अभी देखेंगे अपन, फिलहाल ये दो इक्वेशन से काम की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसका यूज लेंगे। इसका यूज लेने के लिए हमें a1, a2, a3 से लेकर के an तक की वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। कहां से रखोगे? ये रही इक्वेशन। यहां से an निकल जाएगा cn plus l, तो an अपने पास में है, तो a1, a2, a3 से लेकर के an सब कुछ है अपने पास में। तो हम ये लोग यही काम करने वाले हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम लोग कि an जो आएगा वो आएगा cn plus l, और अकॉर्डिंगली therefore a1 is equal to c1 plus l and a2 is equal to c2 plus l and a3 is equal to c3 plus l and so on। ठीक है, अब ये put in इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन? ये जो bn वाली है, इसको मैंने नंबर नहीं दिया इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं इसको, a1 plus a2 plus a3 से लेकर के ये an है और डिवाइडेड बाय n है। इसमें आप ये सारी वैल्यूज रख दो, जो भी वैल्यूज आई हैं a1 a2 a3 सब कुछ। a1 की आई है c1 plus l, a2 के पास है c2 plus l, a3 के पास है c3 plus l and so on cn plus l। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ये हो गया अपना। अब इसमें क्या करना है, आप l अलग कर लो, c अलग कर लो, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। c1 plus c2 plus c3 से लेकर के ये अपन ले लेते हैं cn तक, और लास्ट में l plus l plus l कितना हो जाएगा? n टाइम्स, ये n टाइम्स है, तो मैं लिख देता हूं n टाइम्स, और लास्ट में अभी मतलब नेक्स्ट लाइन में इसको देख लेंगे जो भी है, कितना बन जाएगा ये? ये बन जाएगा c1 plus c2 plus c3 से लेकर के cn तक, और डिवाइडेड बाय n में अलग सेपरेट कर देता हूं, और साथ में ये आप देखो कि कितना बन रहा है, एक लाइन बच जाएगी मैं अगर यहीं पर कर दूंगा तो l l l n टाइम्स है, तो एक तरीके से ये कितना हो गया n into l, और n into l को n से डिवाइड दोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास सिंपल l। तो ये हमारा ये हमारा bn आ गया, ये हमारे पास bn चल रहा है। अब bn अपने पास आ गया nth टर्म c के फॉर्मेट में, मतलब cn वाली जो सीक्वेंस है उसके फॉर्मेट में, उसके nth टर्म के फॉर्मेट में हमारे पास bn आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना था अपने को, एक बार यहां पर देखो, प्रूव क्या करना था हमें? ये प्रूव करना था कि ये जो bn की लिमिट है वो कितनी आएगी? l आएगी। मतलब ये जो bn नई सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ट करेगी? l पर करेगी। तो यहां पर अगर मैं पूरी लाइन की लिमिट लगा दूं तो bn कहां पर कन्वर्ट करना चाहिए? l पर। वो तभी कन्वर्ट कर सकती है l पर जब इसकी लिमिट जीरो आए। इसकी लिमिट अगर जीरो आएगी तो इसकी लिमिट प्लस लिमिट l वो कितनी होनी चाहिए? l। bn l पे कन्वर्ट तभी करेगी जब ये बीच वाले की लिमिट जीरो आएगी। मैं एक बार नेक्स्ट लाइन में इस पर लिमिट ले लेता हूं पूरी लाइन के ही, तो आप नेक्स्ट लाइन में उसी में लिखोगे कि लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ c1 प्लस c2 से लेकर के cn अपॉन में n और प्लस में l। ये होता है। अब लिमिट में इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, तो आप यहां पर लिखोगे लिमिट c1 प्लस c2 से लेकर के cn तक है डिवाइडेड बाय n, इसकी लिमिट अलग कर ली, प्लस में लिमिट l को डायरेक्ट मैं l लिख रहा हूं क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में l होनी है, कॉन्स्टेंट है, उस पर लिमिट सेम ही आएगी, और इधर लिमिट ऑफ bn ये चल रहा है। तो लिमिट ऑफ bn ये आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब टू प्रूव लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू 0, वी नीड टू प्रूव दैट लिमिट ऑफ c1 प्लस c2 से लेकर के जो cn तक है और अपॉन में n है उसकी लिमिट कितनी आएगी? 0 के इक्वल आएगी। अगर आपको लिमिट ऑफ bn l प्रूव करना है तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट आपको 0 प्रूव करनी पड़ेगी, ये 0 प्रूव करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो l के बराबर होगा। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है? ये 0 हो जाए, बस इतना ही करना है अल्टीमेटली। अब लास्ट में अपने को इतना करना है कि ये 0 पे कन्वर्ट कर जाए, कौन? c1 प्लस c2 से लेकर के cn अपॉन में n, ये 0 पे कन्वर्ट कर जाए तो काम खत्म अपना। अब ये 0 पर कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए
थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया अपन ने, इसको छोड़ो अब एक ये इक्वेशन, ये बना तो दी अपन ने लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक तो किया नहीं है, इसका अब इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैं शुरू करता हूं। इक्वेशन नंबर टू में हमने क्या देखा, इक्वेशन टू हमारे पास थी कि भाई लिमिट ऑफ सी एन जो है कितनी है, जीरो के बराबर है। और लिमिट ऑफ सी एन जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, देयर फोर सी एन माइनस जीरो का जो मॉड है वो लेस देन एप्साइलन होता है। ये लिमिट की डेफिनेशन है, बेसिक लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी की लिमिट एल के बराबर है तो वो माइनस एल का मॉड लेस देन एप्साइलन होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, कुछ लोग इसको एम लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, कुछ लोग पी लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म्स एप्साइलन से, मतलब बात की सारी टर्म्स के लिए ये जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, बस यही तो कंक्लूजन है। बाकी एन जीरो लिखो, एम लिखो, कुछ भी जो लिखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अब यहां एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली है कि मैं यहां पर एप्सिलॉन बाई टू कर रहा हूं, ये वही पंगा है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन बाई टू क्यों करते हैं कभी कभी, और एप्सिलॉन क्यों लिख देते हैं कभी कभी, कभी कभी एप्सिलॉन बाई थ्री भी करना पड़ सकता है किसी किसी सिचुएशन में, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वापस से थोड़ा बहुत अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और थोड़े से अलग कंक्लूजन देने की कोशिश करूंगा। अभी मान लो कि मैं इसको एप्सिलॉन बाई टू से लेस कर रहा हूं, एप्सिलॉन से लेस करने की जगह थोड़ी देर में उसको कंक्लूड करूंगा सही तरह से दूसरे से कनेक्ट करके, ठीक है। तो यहां पर कितना बन रहा है, ये सी एन का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n is greater than n zero। अब यहां एक छोटी सी बात समझने की है, ये एक छोटी सी बात है जो समझने की है कि cn का mod epsilon by 2 से छोटा आएगा कब, जब n n zero से बड़ा है, मतलब n zero plus 1, n zero plus 2, n zero plus 3, उन सब के लिए इसका जो mod है वो epsilon by 2 से छोटा है। मैं रफ के लिए साइड में समझने के लिए इसी बात को कि ये क्या लिखा है मैंने या क्यों लिखा है, कैसे काम आएगा, वो अभी मैं साइड में थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि सी एन जीरो प्लस वन हो उसका मॉड एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, या फिर सी एन जीरो प्लस टू है उसका मॉड एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, मतलब एन जीरो से बड़े जितने भी आएंगे ना उन सबका मॉड एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर फोर नाम दे दो, बड़ा काम की चीज आई है, बहुत काम की चीज आई है। अब इसको कैसे यूज लेना है वो देखते हैं, अभी हमें चाहिए ये चीज। अब आप ध्यान से समझो, एन तो कुछ भी है ना, एन तो कितना ही बड़ा है, अपने को मतलब ही नहीं है एन से, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो C1 से लेकर CN तक के जो वैल्यूज हैं उसको दो हिस्सों में कर रहा हूं मैं, C1 से लेकर के CN तक की जो वैल्यूज हैं उसको दो हिस्सों में कर रहा हूं। कौन से दो हिस्से, एक तो जो C1 से लेकर के, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये जो CN तक की वैल्यूज हैं इसको मैं दो हिस्सों में करना चाह रहा हूं, एक तो C1 प्लस C2 से लेकर के CN0 तक अपॉन में n हो जाएगा, अलग हो गया, और उसके बाद में n0 के बाद में आने वाली टर्म्स को अलग, n0 के बाद में n0 plus 1, n0 plus 2 से लेकर के लास्ट n तक आने वाली सारी टर्म्स, मतलब cn तक आने वाली सारी टर्म्स अलग कर रहा हूं मैं, cn है ये और डिवाइडेड बाई n है। तो मैंने क्या किया, c1 plus c2 के बीच में कहीं cn0 आ रहा होगा, वहां से लेकर के यहां तक अलग कर दिया और उसके बाद के सब अलग कर दिए, c1 से लेकर cn0 तक अलग कर दिए, cn0 plus 1 मतलब उसके जस्ट आगे वाले से लेकर के cn तक अलग कर दिया और डिवाइडेड बाय n दोनों के नीचे अलग अलग दे दिया, क्योंकि नीचे n है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम अब एक बार इसके लिए अलग से सारा निकाल लेंगे जो भी निकालने का है सीन, और इसके लिए हम अलग से सारा निकाल लेंगे जो भी निकालने का है सीन। क्या निकालने का है लेकिन सीन, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये लिमिट जीरो के बराबर आ जाए। अब ये लिमिट जीरो के बराबर कैसे आए, लेकिन क्या तरीका है इसको जीरो के बराबर लेके आने का, किसी की भी लिमिट को जीरो के बराबर लाने का क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा सा बता पाओगे क्या। देखो, किसी की भी लिमिट को जीरो के बराबर लाने का तरीका ये हो सकता है कि c1 plus c2 से लेकर के ये जो cn तक आ रहा है और अपॉन में n आ रहा है, माइनस जीरो का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। तो फिर अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो अंदर लिखी हुई है उसकी जो लिमिट है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन यही कहती है कि nth टर्म माइनस लिमिट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। तो हम अल्टीमेटली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं,
हम चाह रहे हैं कि इसकी लिमिट जीरो हो जाए, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि ये प्रूव आ जाए। और ये प्रूव होने का मतलब क्या है, हम अल्टीमेटली ये जो टर्म लिखी है इसका मॉड चाहते हैं, हम इसका मॉड चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका मॉड मतलब माइनस जीरो का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो हम ये चाहते हैं। हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, यहां तक क्लियर है आपको, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं, ये सब कुछ सही है, सब कुछ फेयर में चल रहा है, बस ये जो मैंने लिखा है ये रफ का काम था, बाकी सब कुछ फेयर का ही काम है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसी को आगे मैं पूरी लाइन के मॉडल लगा रहा हूं, मैं पूरी लाइन के मॉडल लगा रहा हूं, देखो पूरी लाइन के मॉडल लगाओगे तो ये बन जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN अपॉन में N था इसके मॉड लगा रखा है, दूसरी तरफ इसी को ब्रेक करके जो हमने लिखा C1 प्लस C2 से लेकर के CN0 तक अलग कर दिया अपॉन में N, और हमने CN0 प्लस 1 और CN0 प्लस 2 से लेकर के CN तक अलग कर दिया और अपॉन में N, इस तरफ भी मॉड, दोनों तरफ मॉड लगा दिया, दोनों तरफ मॉड लगा दिया। अब मॉड में ये खास बात होती है, आपको पता होगा कि a प्लस बी के अगर मॉड लगा हुआ है तो वो लेस देन या इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के, मतलब मॉड को अगर सेपरेट करना है तो डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो सकता, इसके अलग मॉड लगाओगे तो फिर इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप यहां लिखोगे C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN है डिवाइडेड बाई N है उसका जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 से लेकर के CN0 डिवाइडेड बाई N का मॉड प्लस में, दोनों का प्लस, CN0 प्लस 1 प्लस CN0 प्लस 2 से लेकर के CN अपॉन में N का मॉड, ये दोनों का लेस देन इक्वल टू साइन के साथ में आ जाएगा यहां पर। इस तरह से मतलब आप लोग लिख सकते हो इसको। अब हमारा मोटिव क्या है, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ये चीज मिल जाए। एक्चुअल में देखो यहां पर क्या था, माइनस में जीरो था, माइनस में जीरो की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो तो हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली हमें केवल इसका मॉड चाहिए, वो किससे लेस चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। यहां पर हम कहां तक पहुंच गए, इसके मॉड तक पहुंच गए, लेस देन का साइन भी आ गया, इक्वल का साइन अभी हट जाएगा किसी ना किसी कारण से, मैं बताऊंगा क्यों हटा देंगे अपन इक्वल का साइन। हम बस ये चाह रहे हैं कि ये जो टोटल है वो एप्सिलॉन हो जाए, तो मतलब अल्टीमेटली ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो हम इसको और इसको अलग अलग डील करेंगे और यहां पर जो भी वैल्यू होगी उसको लिख देंगे। इक्वेशन कौन सी चल रही है अपनी, 3 के बाद 4 तक पहुंच गए थे, तो इसको 5 नंबर इक्वेशन दे देते हैं एक बार, और इसको अलग से डील कर लेते हैं, इसको अलग से डील कर लेते हैं और यहां पर वैल्यूज रख देंगे, काम खत्म, इतना ही करना है, ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा अपना पूरा का पूरा थ्योरम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप कैसे, ये बहुत कमाल की बात है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि C1 प्लस C2 प्लस ये जितना भी है CN0 अपॉन में N का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू आएगा ऑब्वियसली किसके, अगर इंडिविजुअल मॉड करते हैं तो, सेम उसी के अकॉर्डिंग, इसी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल मॉड लेके आते हो तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो यहां पर C2 का मॉड से लेकर के आप इसको CN0 के मॉड तक पहुंचा दोगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, N चल रहा है, N के तो मॉड लगाने से कोई मतलब नहीं है, N तो N है, सिंपल नंबर है कोई। अब इसके बाद में C1 का मॉड कितना है, C2 का मॉड कितना है, CN0 का मॉड कितना है, ये तो पता होना चाहिए ना अपने को। अब ये ही है एक सवाल, अब ये कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूं इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए मैं छोटी सी चीज यहां पर लिखने वाला हूं, तो मैं इसको यहां कर देता हूं। अब यहां वैल्यूज जमा देंगे अपन बाद में, फिलहाल कहां से आएंगी ये वैल्यूज, ये देखो आएगी यहां से, हमें पता है कि लिमिट CN0 है, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से, वापस से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें पता है कि लिमिट ऑफ CN इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सीक्वेंस CN इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मैं लाइन बना करके इधर लिखूंगा थोड़ी चीजें और, ठीक है, लिमिट CN इज सॉरी सीक्वेंस CN इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड एवरी नहीं लिखा क्या, हटाओ या एवरी
कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये बात क्लियर है। देयरफोर सीक्वेंस सी एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। क्योंकि सीक्वेंस सी एन की लिमिट है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो स्मॉल के से लेके कैपिटल के तक बाउंड है मान लो, तो लेट कहीं से कहीं तक तो होगी। लेट ये जो स्मॉल के से लेकर के कौन सा सी एन, वो कैपिटल के बीच में है, बाउंडेड है तो इक्वल भी आ सकता है मान लो कि इसके बीच में है, ऐसा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि बाउंडेड तो सभी नंबर्स के लिए होता है ना, C1 से लेकर के CN तक सब कुछ बाउंडेड है, तो हर वैल्यू स्मॉल के से कैपिटल के बीच में आएगी। तो यहां पर हमें एक चीज मिल गई, ये मिल गया हमें, तो लेस देन वाली इनइक्वालिटी से मतलब है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा लेस देन तक पहुंचना है, तो हम तो लेस देन वाली देख रहे हैं कि CN जो है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल के है, मतलब C की सारी वैल्यू C1 C2 C3 C4 जितनी भी है वो सबकी सब किससे छोटी है, K से छोटी है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको नेक्स्ट लाइन इसको आगे बढ़ा करके हम क्या लिख सकते हैं कि लेस देन, किससे लेस, लेस देन और इक्वल टू के प्लस के प्लस के अपॉन में एन, कितनी बार के लिखा मैंने, एन जीरो टाइम्स, क्योंकि सी1 सी2 सी3 सीएन जीरो है, तो एन जीरो टाइम्स मैंने के लिख दिया, इसको कर ही सकते हैं क्योंकि सबके सब किससे छोटी है, के से छोटी है, यहां लिख रहा है। इसको इक्वेशन नाम दे दो, कोई छठा नंबर दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 आप लिख देना, उधर जगह नहीं बची इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। ये अच्छा बहाना होता है वैसे नहीं लिखने का, आलस आता है ना, तो मस्त जगह का बहाना बना लो, मस्त चीज है। चलो आगे क्या अपन ने निकाला, हमने निकाला कि C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN 0 तक की बात है और अपॉन में N है, ये जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू आ गया N 0 टाइम्स K, N 0 टाइम्स K था और नीचे कितना है स्मॉल n है, यही है ना, के प्लस के प्लस के कितनी बार, n जीरो बार और नीचे n है, तो n जीरो बार तो k ले लिया और नीचे n चल रहा है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखना यहां पर, अगर अगर n जीरो कैपिटल k अपॉन स्मॉल n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर दूंगा, इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर दूंगा, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा ओवरऑल, इसलिए मैं जान करके यहां एप्सिलॉन बाय 2 ले रहा हूं। अब यहां एप्सिलॉन ले सकते हैं क्या, इस बारे में अभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल मान लो कि एक बार एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं, ठीक है, ये एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, देन अगर ऐसा है, अगर यही एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो जाएगा तो C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN 0 तक चल रहा है अपना अपॉन में N चल रहा है, इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू N 0 K अपॉन स्मॉल N है, वो भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। यहां इक्वल का साइन नहीं लगाया इसलिए यहां भी नहीं लगाया, तो नेक्स्ट लाइन में ये इक्वल का साइन हट जाएगा क्योंकि मैं इसको इससे कनेक्ट करने वाला हूं। क्या लिखोगे आप, लिखोगे नेक्स्ट लाइन में इफ N अपॉन N 0 K reciprocal किया है इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन देन देन C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN0 अपॉन में N है इसका जो मॉड है वो लेस देन किसके है एप्सिलॉन बाय 2 के। छोटा सा और काम कर लो, एक छोटा सा काम और, कि इफ N इज ग्रेटर देन 2N0 K बाय एप्सिलॉन देन C1 प्लस C2 से लेकर के जो CN0 आएगा अपॉन में N है उसका जो मॉड है वो लेस देन किसके है एप्सिलॉन बाय 2 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर बनेगी 6 के बाद नंबर है 7, बड़े काम की चीज आई है। 7 नंबर इक्वेशन क्या कह रही है कि ये चीज एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो गया, कब, लेकिन इस N के लिए, किस N के लिए, इस N के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो गया, ठीक है। अब ये N कुछ नाम दे दो चाहो तो इसको, इसको कुछ पर्टिकुलर नाम दे दो, लेट ये है N0 डैश नाम दे देते हैं इसको, लिख देना साइड में, जगह मैं बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं एक्चुअल में, इसको लिख देना कि लेट दिस N इज ग्रेटर देन, ये मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ यार, एक नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे इसको, इक्वेशन नंबर 7 इसको मत दो, ऐसा करो मैं जो नेक्स्ट लाइन में लिखूँ उसको दे देना, इसको हटा देते हैं। आप नेक्स्ट लाइन में लिखो कि C1 प्लस C2
से लेकर के ये जो सी एन जीरो है और अपॉन में एन है, इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो डैश, एन जीरो डैश। क्लियर है बात? ठीक है, इसको दो इक्वेशन नंबर 7, ये कंक्लूजन आया ये जो भी अपन ने किया उसका। अब नेक्स्ट, हमें केवल इस तरफ से मतलब नहीं है ना, इस तरफ से भी मतलब है, तो एन जीरो प्लस वन सी वाला और वहां से सी एन तक लेके जाना है मतलब। तो ठीक है शुरू करते हैं। अब हमें दूसरे से मतलब है, तो नाउ सी एन जीरो प्लस वन प्लस सी एन जीरो प्लस टू से लेकर के हम जाना चाह रहे हैं सी एन अपॉन में एन के मॉड तक, और सेम वही इंडिविजुअल मॉड अगर आप दोगे तो इनइक्वालिटी तो यहां भी लगनी है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, इनइक्वालिटी यहां भी लगेगी ही लगेगी, और वही सेम सी एन और नीचे कितना आ जाएगा यहां भी एन। अब यहां एक कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है, कमाल की बात यह है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा है इस स्लाइड में कि सी एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है एन जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए, ये कंफर्म है, मतलब सी एन जीरो प्लस वन सी एन जीरो प्लस टू से लेकर के आगे जितनी भी आएंगी उन सबको लेस देन कितना कर सकते हो आप, एप्सिलॉन बाय 2। तो हम लोग यहां पर इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तक पहुंचा दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये पूरी टर्म, ये पहले वाली चीज एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है, दूसरी वाली भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है, और लास्ट वाली भी किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है, डिवाइडेड बाय वही एन चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। कितनी बार लिख दिया मैंने ये समझना, टोटल कितने हैं एन, उसमें से एन जीरो तो पहले हट गए, एन सी वन से लेकर सी एन तक थे तो सी वन से लेकर के सी एन जीरो तक पहले हट गए, अब एन जीरो प्लस वन से सी एन तक है तो एन माइनस एन जीरो बचे, सही है। तो आप यहां पर लिखोगे कि सी वन सॉरी सी एन जीरो प्लस वन प्लस सी एन जीरो प्लस टू से लेकर के ये जो सी एन तक आया है इसका जो मॉड है ये चीज लेस देन आएगी, क्योंकि यहां तो लेस देन ही आएगा, इक्वल का साइन आएगा नहीं, उधर लेस देन था, ये कितनी बार है n माइनस n जीरो टाइम्स हो गया एप्सिलॉन बाय 2 और डिवाइडेड बाय n। क्यों हुआ n माइनस n जीरो टाइम्स, क्योंकि c1 प्लस c2 से लेकर के एक बार cn0 तक था, उसके बाद cn0 प्लस 1 से लेकर के लास्ट cn तक आया, ये अपन ने हटा दी n में से, कितनी हटाई n0 हटाई तो n माइनस n0 बची, ये n0 है तो ये कितनी है n माइनस n0 है तो n माइनस n0 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2 और डिवाइडेड बाय n। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं एक बार, सी एन जीरो प्लस वन प्लस ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सी एन अपॉन में एन का जो मॉड है वो लेस देन एन, देखो अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एन इंटू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू एन, ये अल्टीमेटली कटपिट करके एप्सिलॉन बाय 2 बन रहा है, माइनस में एन जीरो के साथ करोगे तो एन जीरो एप्सिलॉन अपॉन 2 एन। क्लियर है बात? एप्सिलॉन बाय 2 में से कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये तो 110% लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, क्योंकि ये तो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी ही है, माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। फर्स्ट को लास्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में काम ही हो गया अपना, सी एन जीरो प्लस वन प्लस सी एन जीरो प्लस टू से लेकर के सी एन अपॉन में एन का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन एन जीरो के लिए ही करें अपन सारा का सारा काम, ये तो क्लियर ही है, एन जीरो से बड़ी है ना सारी टर्म्स, तो अंडरस्टूड ही है। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी 8 चल रही है आई गेस, पिछले बार 7 थी ना, 8 चल रही है, दोनों निकाल लिए हमने, बस समस्या की बात क्या है, अब ये एक समझने की बात है लेकिन क्या है स्टूडेंट्स रट लेते हैं, इतनी छोटी सी चीज होती है एग्जाम में प्रूव आता है, प्रूव कर दिया काम खत्म हुआ, नंबर आ गए, टेंशन नहीं लेनी, रट लेंगे कि ये नहीं समझ आ रहा कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और ये तो एन जीरो डैश है और यहां पर एन जीरो है, कैसे कनेक्ट करोगे भाई, कैसे कनेक्ट करोगे, सही बात है कि नहीं है, सही बात है, कैसे करेंगे, ध्यान से समझने वाली मतलब कमाल की बातें हैं यार, बहुत ही छोटी छोटी और कमाल की बातें होती हैं, मतलब समझाने में भी मजा आ जाए ऐसी बातें होती हैं। तो आप कोशिश किया करो कि हर चीज की डेप्थ आपको पता हो, फील हो, तब जा करके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जब तक छोटी छोटी चीजें आपको नहीं क्लियर होंगी ना तब तक मजा ही नहीं आएगा, और ये बहुत कमाल की चीजें हैं, आप अगर एक्चुअल में डीप में पढ़ोगे तो मतलब मजा आ जाएगा आपको, मेरे को मजा आ जाता है तो कुछ नया सीखने को मिलता है जब भी जीवन में, तो मजा आता है ना,
तो बहुत ही कमाल की चीजें हैं, कुछ नया सीखते रहो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करके, आपको सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, रियल एनालिसिस तो यूं उड़ा दोगे हवा में आप। फर्जी है, फर्जी सब लोग बोलते हैं इतना टफ है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आई क्यों टफ बोलते हैं इसको, इतना तो सिंपल चल रहा है सब कुछ। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखो, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, एक बार मैं लिख तो दूं यार लिखने के हिसाब से, फिर मैं आपको सारी रामायण बताता हूं ओवरऑल, जो मैंने खिचड़ी बनाई है उसको और समराइज करता हूं, एक बार करता हूं मैं, लिख देता हूं किसी इक्वेशन में डालना है अपने को सारी कहानी, इक्वेशन नंबर 5 में पहले डाल दूं मैं, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और फिर कर देते हैं इसका एक बार काम तमाम, फिर आपको साइड में समझाता हूं मैं कि क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप लिखो कि इक्वेशन नंबर 5 में अपन क्या लिख रहे हैं, ये C1 प्लस C2 से लेकर के CN अपॉन में जो N है उसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, ये अपन ने लिख दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि C1 प्लस C2 से लेकर के ये जो CN आ रहा है अपॉन में N आ रहा है, माइनस 0 अपनी मर्जी से लगा दिया ताकि वो लिमिट के डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाए, इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट इंप्लाइज लिमिट ऑफ C1 प्लस C2 से लेकर के CN अपॉन में N जो है वो इक्वल में 0 है। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई हमारे, और ये किसी इक्वेशन में रखना है अपने को, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन जो चल रही थी इक्वेशन नंबर 3 में रख दो कि ये लिमिट 0 है, तो लिमिट ऑफ BN कितनी आ गई, L। यही तो प्रूव करना था। बहुत कमाल की चीजें यार, डेरिवेशन में तो मतलब मजा ही आ जाता है। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, लिमिट ऑफ BN इज इक्वल टू, ये हो गया 0 और उधर L था ही, तो लिमिट ऑफ BN इज इक्वल टू L। ये जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया प्रूव। एक दो सवाल रह गए मन में, पहली बात तो ये एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 का क्या चक्कर है, एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया। दूसरा सवाल ये रह गया कि ये एन जीरो और वो एन जीरो डैश था, इसका क्या किया, वो मैंने यहां लिखा भी नहीं है। यहां लिखना जरूरी है कि ये किसके लिए है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन वॉट, वो नहीं लिखा मैंने अभी तक, चालाकी देखो, और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा ये लिखना जरूरी होता है, आप इग्नोर भी कर दोगे छोड़ दोगे तो आपको लगेगा डेरिवेशन तो पूरा हो गया, बचा ही गया इसमें, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज बच गई है इसमें। अब देखो क्या है वो कमाल की चीज, ध्यान से समझना एक बार, छोटी सी चीज है यार, समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब आप लोगों को ऐसे बताता हूं। देखो मैंने पिछली बार भी आपको नंबर लाइन से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी, ध्यान से समझना, एक चीज है अपने पास एन जीरो, एक है एन जीरो डैश, ये दो ही चीजें हैं। मैं नए पेज पे बताऊंगा, नए पे बताता हूं यार, एक चीज है अपने पास एन जीरो और एक है अपने पास एन जीरो डैश, ये दो चीजें हैं अपने पास में, ठीक है। अब इससे कैसे डील करना है, एक कह रहा है कि मान लो कोई एक बड़ा कोई एक छोटा हो गए तो कंफर्म बात है, मान लो एन जीरो छोटा है एन जीरो डैश बड़ा है, मान लो आगे की वैल्यू है ना, तो एक ये कह रहा है, ये वाला ये कहता है कि एन जीरो से बड़ी एन की सारी वैल्यूज के लिए ये एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, ये कहता है कि n0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है ना इन सारी वैल्यूज के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू। दूसरा ये कह रहा है कि उससे पहले वाला n0 डैश से बड़ी अगर n की वैल्यू होगी ना तो इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, कब आएगा जब n0 डैश से बड़ी वैल्यूज होंगी, मतलब अगर दूसरा ये कह रहा है कि अगर n0 डैश से बड़ी वैल्यूज आएंगी, मतलब इससे बड़ी यहां से यहां तक आप आओगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा उसका मॉड। हमने कहा कि ठीक है भैया अब ऐड करके देखते हैं, अब हमने ऐड कर दिया इनको, हमें ऐड करना था यहां पर तो हमने ऐड करके देखा, तो एक तो पहले वाली चीज थी जो एन जीरो से बड़ी आ रही थी, मतलब एन जीरो से बड़े के केस में एप्सिलॉन बाय 2 से बड़ी छोटी आ रही थी, दूसरा जो टर्म था दूसरा जो मॉड था वो एन जीरो डैश से बड़े के केस में एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ रहा था, कॉमन पार्ट ले लो ना, समझो बात को ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं कि एन जीरो और एन जीरो डैश में से किसी एक को ही चुनना है तो आप एन जीरो डैश को ही चुनोगे, क्योंकि दोनों केसेस में एन जीरो डैश से बड़ी वैल्यूज लेने पर तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, ये भी मॉड एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, दोनों मॉड कब एप्सिलॉन बाय 2 से छोटे आ रहे हैं, एन जीरो डैश से बड़े होने पर,
अगर आप बोलो कि नहीं एन जीरो से बड़े होने पर मैं यहां पर लिख दूं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, मान लो ये लिख दिया तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि पहला वाला मोड तो सॉरी पहला वाला मोड तो एन जीरो से बड़ी वैल्यूज पे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दे रहा है, लेकिन दूसरा वाला मोड इन वैल्यूज पे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है ही नहीं। अगर मैं यहां पर एन जीरो डैश लिखता हूं तो एन इज ग्रेटर देन एन जीरो डैश पर पहला वाला मोड मतलब इससे आगे की सारी वैल्यूज पर पहला वाला मोड भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है और दूसरा वाला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक छूट रही है, कोई टेंशन नहीं है ना। हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद वाली सारी की सारी टर्म्स इस चीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर टर्म कौन सी है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है, एन जीरो डैश। और एन जीरो डैश कौन है, एन जीरो डैश है एन जीरो और एन जीरो डैश की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है वो ही यहां पर लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा यहां पर, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं इसको मिटा करके मैं यहां पर कैपिटल एन जीरो लिख रहा हूं, और कैपिटल एन जीरो क्या चीज है, कैपिटल एन जीरो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एन जीरो और स्मॉल एन जीरो डैश, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल एन जीरो। ये बहुत ही ज्यादा समझने लायक बात थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब 100 में से 95 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं, बस यही गड़बड़ है। ये छोटी छोटी चीजें आप पर आपको समझ में आ गई ना, तो कुछ है ही नहीं यार सब्जेक्ट में, विजुअलाइज हो जाएगा आपको, दिखने लगेगी चीजें। पर यही मतलब मेरा तो मोटिव है कि आपको एक एक चीज दिखा दूं मैं, ताकि आप कहीं भी आगे कुछ भी पढ़ो, कितना भी रिसर्च कर लो ना, रिसर्च तभी कर पाओगे जब आपको विजुअलाइज हो पा रही है चीजें, वो रिसर्च यूं ही नहीं हो जाती, रट करके काम नहीं चलता ना, तब कर पाओगे जब आपको विजुअलाइज होगी। रिसर्च नहीं भी करो तो पढ़ने का सही तरीका यही है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी क्लास में किसी भी लेवल पे पढ़ने का यही तरीका है कि चीजें आपको विजुअलाइज होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तब मजा आता है। ठीक है, तो ये आपको फील होना चाहिए कि मैंने कैपिटल एन जीरो क्यों लिया है, और यहां लिखना जरूरी है, बहुत कमाल की बात है। अब एक और बात पे आते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर ये एप्सिलॉन बाय 2 नहीं लिखोगे तो वहां एप्सिलॉन आएगा, और उस केस में यहां एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उस 2 एप्सिलॉन को लास्ट में हम लोग एप्सिलॉन डैश नाम दे देंगे और वो लेस देन एप्सिलॉन डैश हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रेफरेंस पॉइंट एप्सिलॉन बाय 2 की जगह एप्सिलॉन ले लिया दोनों का, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया ही था कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, और बीच में एल है, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, तो ओवरऑल एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बाय 2 है, ये एप्सिलॉन बाय 2 है, तो ओवरऑल एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इतना सही कंसेप्ट है उसमें, और कुछ नहीं है। अगर आपको ये अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि एप्सिलॉन बाय 2 का क्या चक्कर है, एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना, उसमें डिटेल में बताया है मैंने आपको, एग्जैक्ट बताया है कि क्या चलता है ये सिस्टम। तो आप यहां पर एप्सिलॉन बाय 2 स्टार्टिंग में अगर आप यहां कहां लिया था मैंने, इतनी सारी स्लाइड हो जाती है मैं खुद ही खो जाता हूं यार, एप्सिलॉन बाय 2 नहीं लेना चाह रहे हो, एप्सिलॉन लेना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी एप्सिलॉन ले लो और दूसरी जगह भी एप्सिलॉन ले लो, कहां लिया है अपन ने, यहां भी एप्सिलॉन ले लो, और आप कह रहे हो कि नहीं मेरा तो मन है कि एक को मैं एप्सिलॉन लूं और एक को एप्सिलॉन बाय 2 लूं, तो गलत है क्या, तो भी गलत नहीं है, एक्चुअल में लॉजिकली सोचो तो कोई भी गलत नहीं है। एक को एप्सिलॉन ले लिया आपने, एक को एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, एक्चुअली सारा खेल इस रेफरेंस पॉइंट का चल रहा है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, कहां गया वो, ये बड़ा पंगा है यार, खो जाता है इसमें, इसका चल रहा है सारा खेल कि ये गैप कितना ले रहे हो, ये गैप कितना ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टोटल गैप रहेगा। एक आप एप्सिलॉन ले रहे हो, दूसरा एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हो, तो एक एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन बाय 2 ये बन जाएगा 3 एप्सिलॉन बाय 2, उसको आप एप्सिलॉन डैश बोल देना, क्या फर्क पड़ रहा है, एप्सिलॉन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 बाय 2 उसके साथ लग जाएगा, तो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट हो गया सारा का सारा, तो एप्सिलॉन डैश भी तो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन का ये अटा पता नहीं है, एप्सिलॉन पता चल गया तो 3 बाय 2 लगाने के बाद एप्सिलॉन डैश भी तो पता चल जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में, ये 3 बाय 2 एप्सिलॉन हो, 5 बाय 7 एप्सिलॉन हो, 11 बाय 2 एप्सिलॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 बाई 3 एप्सिलॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है अल्टीमेटली आर्बिट्री कांस्टेंट, पहुंच तो वही रही है बात, तो मेन डेफिनेशन विजुलाइज होनी चाहिए आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब बातें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनसे। ठीक है, तो ये दो लॉजिक्स मैंने आपको बताए, और बहुत टाइम इसीलिए क्लास में मेरा लग जाता है, जब भी मैं सोचता हूं ना कि ये टॉपिक तो मैं आधे घंटे में खत्म करा दूंगा, तो उसमें पक्का 45 मिनट से ऊपर जाती है, कभी कभी 1 घंटा चला जाता है, भगवान मालिक है क्यों है ऐसा टॉपिक्स इतने कमाल होते हैं। चलो आगे करते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल देखो, कंप्लीट तो करेंगे इसको आज, तो एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, इसलिए बड़े लेक्चर होते हैं। तो बड़े लेक्चर से डरना नहीं है, बड़े लेक्चर हैं इसका मतलब उसमें कुछ काम की चीज दी है, छोटी सी चीज को इतने बड़े में समझाया है इसका मतलब कुछ खास ही समझाया ना। तो आप छोटे और बड़े को इस तरह से कंपेयर मत किया करो कि पहले छोटा देख लेते हैं काम खत्म करते हैं, गलत अप्रोच है वो। चलो प्रूव करना है हमारे को ये चीज वन के बराबर आएगी। बहुत सिंपल सा केस है, आप अगर यहां पर इसको देख करके समझ पा रहे हो, ये A1, A2, A3 से लेकर के AN तक है और डिवाइडेड बाई N है। कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स लग रही है, साफ साफ लग रही है, मतलब इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ये कह रहा है कि अगर आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के AN अपॉन N की लिमिट निकालनी है तो आप AN, केवल AN की लिमिट निकाल लो। वो कहां पर कन्वर्ट कर रही है, ये पूरी भी वहीं पर कन्वर्ट करेगी। तो हम AN की लिमिट यहां पर बहुत आराम से निकाल सकते हैं कंफर्टेबली। आप यहां पर अज्यूम कर लो लेट AN इज इक्वल टू N टू द पावर 1 अपॉन N। अब आप लिखो फ्रॉम कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। वो क्या कहती है कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, वो कहती है कि लिमिट ऑफ A1 प्लस A2 प्लस से लेकर के AN अपॉन में N जो लिमिट है ना, ये एक्चुअली इक्वल आती है लिमिट ऑफ AN के। यही है ना एक्चुअल में तो कॉशिस थ्योरम, इसको BN बोला था अपन ने, वो दोनों की लिमिट सेम आती है। और लिमिट ऑफ AN का मतलब हो गया यहां पर लिमिट ऑफ N की पावर 1 अपॉन N अपने को निकालनी है केवल। और हमारा काम हो जाएगा किससे रिलेटेड, 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 से लेकर के N की पावर 1 अपॉन N अपॉन N, इस बड़ी सी चीज की लिमिट निकल जाएगी अगर इसकी निकाल ली तो अपन ने। मान लो कि ये लिमिट L है, मैंने लिखा नहीं ऊपर लेकिन मान लो ये लिमिट L है, एक बार के लिए मान लिया। तो L इज इक्वल टू, हमारे को तो L ही निकालना है, L इज इक्वल टू लिमिट N की पावर 1 अपॉन N। L इसलिए माना क्योंकि ताकि शॉर्ट में लिखने में काम चल जाए, और इसकी लिमिट निकालना इतना सिंपल भी नहीं रहेगा क्योंकि एकदम से कैसे निकालोगे, लिमिट रखो यहां पर कैसे निकालते हैं, रखते हैं N की जगह क्या रखोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की पावर 1 बाई इनफाइनाइट, ये तो फॉर्मेट ही गड़बड़ हो गया ना, इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्मेट है, नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में जब पावर में उटपटांग से चीजें आ रही हैं, लॉग ही दुनिया में एकमात्र उपाय है। लॉग नहीं होता तो पता नहीं कहां जाते अपन लोग सब लोग। तो लॉग लगा लो पूरी लाइन के, यहां पर ले लो लॉग एल और ये हो जाएगा लॉग, या लॉग तो अंदर चला जाता है लिमिट के, सीधा अंदर ही ले जाओ लिमिट लॉग एन की पावर 1 अपॉन एन। अब ये 1 अपॉन एन आप बाहर ले लो नेक्स्ट लाइन में, तो लिमिट एल इज इक्वल टू, लिमिट नहीं है गलत लिख रहा हूं बार, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट 1 अपॉन एन लॉग एन। इसको मैं और सिस्टमेटिकली लिखूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं लॉग एन अपॉन में एन, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, उसका रीजन है देखो। अब यहां लिमिट रखो, लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी है ही, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्मेट भी अपने अपने ताकत से बाहर की चीज है। लेकिन एक कमाल की बात है कि अगर 0x0 फॉर्मेट या फिर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्मेट आता है तो इन दोनों ही केसेस में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल मैंने और भी कुछ जगह बताया होगा डेफिनेटली, आपको नहीं बताया तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो सुन लो क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर ये दो फॉर्मेट्स बन रहे हैं या तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट या फिर 0x0, उस केस में आप ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। लॉग एल का लॉग एन का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एन और एन का डिफरेंशिएशन होगा 1 और फिर लिमिट रख दो। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है इन दोनों फॉर्मेट्स में ऊपर का अलग से नीचे का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और फिर लिमिट रख दो, बराबर बात है ये कहता है। तो ठीक है कर लेते हैं अपने को क्या दिक्कत है। ये हो गया लॉग एल और ये अपने पास log L, लिमिट रखी तो 1 बाई इन्फाइनाइट दैट मीन्स 0, तो log L इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू e की पावर 0, log की प्रॉपर्टी यहाँ e बेस है, ये e इधर चला जाएगा तो e की पावर 0, तो L कितना आ गया 1। हमारे को ये लाना था कि लिमिट इसकी कितनी है 1 के बराबर। बहुत सिंपल हो जाता है मतलब क्वेश्चंस, और जब भी इस तरह से पावर में उटपटांग सी चीज़ें आ रही हो log ले लो, टेंशन खत्म, इसको L मान करके लफड़ाई खत्म है, कुछ नहीं लगाना दिमाग एक्स्ट्रा, बहुत आसान है, कहीं नहीं फंसोगे। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कमाल का क्वेश्चन है ये भी, अब यही पंगा है ना, कमाल का क्वेश्चन लंबा निकल जाता है फिर। अब यहां तो फंसने वाली बात ये है कि आपको नीचे डिवाइड में एन भी नहीं दिख रहा, अब कैसे पहचानोगे कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह से प्लस में आ जाए कुछ फॉर्मेट तो आप यही मान के चलोगे, उससे एक बार अपने को सोचना है। तो अगर नीचे एन नहीं है तो एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड कर दो, दिक्कत क्या है।
मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए, मैं एक बार इसको लिखता हूं पहले तो 2n स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, और पूरा नहीं लिख रहा मैं केवल इसको इतना ही लिख रहा हूं और n से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि अपन मेनली ये चाहते हैं कि n से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर बनेगा, n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2 ये बनेगा, और लास्ट में n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस n ये बन रहा है, और डिवाइड में कौन है n। अब तो फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, अभी भी नहीं दिख रहा तो एक छोटा सा चीज और, आप एक काम करो नीचे से यहां से n स्क्वायर कॉमन लो, n स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा n बनेगा, वो n ऊपर से कटेगा तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर, और nth टर्म इसकी क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन n ही बन गया, कट गया एक n से n, और नीचे किसके डिवाइड में चल रहा है ये n। तो ये जो चीज हमने लिखी है वो एक्चुअल में ये है। तो अब तो आपको दिख रहा है ये a1 ये a2 ये an, अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं लिमिट निकालूं, कॉशिस फर्स्ट थ्योरम और लिमिट वाला वो फॉर्मूला लगा देना, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी इसकी लिमिट, इसकी लिमिट जो l है, मैं शॉर्ट में कर देता हूं इसको क्योंकि फालतू लंबा निकल जाएगा, सिस्टमेटिक लिखूंगा तो नोट्स में देख लेना कैसे लिखना है सिस्टमेटिकली, है ना। इसकी लिमिट कॉशिस फर्स्ट थ्योरम और लिमिट से कहती है कि इसकी लिमिट सिंपल आएगी, nth टर्म की लिमिट निकाल लो 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर की, और उसकी लिमिट के बराबर आ जाएगी इस पूरी टर्म की लिमिट। यही तो कह रहा है कॉशिस फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स क्या कहती है, वो यही तो कहती है कि a1 प्लस a2 से लेकर के an अपॉन n की लिमिट किसके बराबर आती है, सिर्फ an की लिमिट निकाल लो बहुत है। तो वही काम हम कर रहे हैं, बस लिख नहीं रहे उसको सिस्टमेटिकली। लिखना कैसे है सिस्टमेटिकली, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो वो आप नोट्स में देख लेना, या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में रेफरेंस में ले लेना, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने एकदम सिस्टमेटिक लिखा है, ठीक है। अब यहां पर आप लिमिट रख दो, काम खत्म हो गया अपना, बचा ही कुछ नहीं है, सारा काम मैंने इधर ही कर दिया था, यहां तक ही कुछ बचा नहीं है आपके लिए। अब यहां रखोगे तो 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, या इन्फिनिटी छोड़ दो एक ही बात है, तो ये हो गया लिमिट 1 अपॉन 2 प्लस 0 का अंडर रूट, दैट मींस 1 अपॉन रूट 2 रह गया। अच्छा यहाँ लिमिट भी छोड़ो, रख तो दी लिमिट को लिखे हैं बार बार, जब रख दिया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाना था अपने को, कहने का मतलब कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बहुत आसान है। मेन जो समझने का था आपके लिए यहाँ पर वो था डेरिवेशन कैसे करना है, प्रमेय को प्रूव कैसे करना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसके आपको करना ही कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख करके लास्ट वाला जो भी दिखता है, मतलब अगर इस फॉर्मेट में है तो जो लास्ट वाला दिखता है उसकी लिमिट निकाल दो, काम खत्म। आपको सिर्फ उस लास्ट वाले की लिमिट निकालनी है, कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कहता है, ए वन से लेकर के ए एन तक लिखे हुए हैं प्लस में, डिवाइडेड बाई एन है, मतलब अर्थमेटिक मीन के फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन ही है ना, मतलब उस रूप में सोचे तो एक बार के लिए ऐसे ही सोचे तो, कि ए वन से लेकर ए एन तक की वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन के फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स आप लगा दो, आप केवल nth टर्म देखो और उसकी लिमिट ले लो, उससे काम चल जाएगा। तो वही काम अपन ने किया है, ओवरऑल ये काम किया है अपन ने यहाँ पर। तो हमने एक तो प्रूव किया है थ्योरम को और दो एग्जांपल्स किए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और अपन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सभी लोग, ताकि आप लोगों को उसमें नोट्स वगैरह मिलते रहें। जल्दी मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें डेली क्वेश्चंस डालेंगे उसमें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी धीरे धीरे उसके बताने स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू।